है आपका शफा होम फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में। मेरा नाम नितिश आनंद और मैं आपका होस्ट। तो मॉनसून चल रहा है, आप लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं? हम तो बारिश में वॉलीबॉल खेल के और चाय के साथ पकोड़े एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं लास्ट 15 दिनों में हमारे घर में कौन कौन से सेशन और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे शफा परिवार में हमारी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एजुकेशन सेशंस होते रहते हैं। लास्ट हमारा एजुकेशन सेशन में हमें बताया गया कि एडिक्शन एज ए डिजीज, जिसको WHO ने भी प्रमाणित किया। तो आइए देखते हैं इस सेशन की कुछ झलकियाँ। सिर्फ यंगर मेंबर के लिए क्वेश्चन नहीं है, ये सभी के लिए क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पर क्यों? सर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे बात इतने भी मतलब अर्थव्यवस्था बहुत हो गई सर। अर्थव्यवस्था कैसी थी? जैसे चोरी भी आ जाती है सर, व्यवहारों में आ गया तुम्हारे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। विवादों पे लड़ना, लड़ाई झगड़ा करना घर वालों से यूजिंग के लिए, और बाहर वालों से भी लड़ाई झगड़ा करके घर में आना, शिकायत आती थी घर पे बहुत, इस वजह से मैं यहाँ। तो फिर मेरा यह क्वेश्चन है कि जितने लोग बाहर यूजिंग कर रहे हैं, जिनको हम सोशल बोलते हैं, तो क्या फिर मैं वो बनूं? नहीं, शेड्यूल टूट जाता है। जैसे तुम रात में लेते हो 30 ml लेते हो, अब तुम सुबह से शुरू हो जाते हो, दोपहर में लेते हो, शाम में लेते हो, रात में लेते हो, तो तुम्हारा जो कंट्रोल था वो टूट चुका है। जैसे कि आपने बताया बीमारी की कई प्रकार होते हैं, जैसे कि मैं अभी अपनी फिजिकल प्रॉब्लम देख के लग रहा है मेरे को कि मैं ठीक हो गया हूँ, बट मेरी मानसिकता आपने बताया नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट नेगेटिव थॉट्स जरूरी है कि नशे के ही आए या कोई बेईमानी के आए या किसी भी तरह के कोई भी नेगेटिव थॉट जो मुझे नेगेटिव एक्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं बीमार हूँ। जब तक मैं यही नहीं मानूंगा कि मैं बीमार हूँ, तो मैं आगे इलाज ले नहीं सकता या प्रोग्राम में आ नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जानते ही होंगे, कुछ दिनों पहले ईद का त्यौहार निकला, जिसे हमारे शफा परिवार में बहुत धूमधाम से मनाया गया। किसी भी धर्म का कोई भी त्यौहार आए, हमारे परिवार में हर त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो मेन स्टोरी ना दिखाते हुए आइए आपको दिखाते हैं पर्दे के पीछे की स्टोरी। ईद के दिन हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों ने एक प्रेजेंटेशन तैयार की, जिसमें उन्होंने अपने कल्चर और इस्लाम धर्म की शुरुआत के बारे में बताया। सो हैव अ लुक। ईद उल जुहा, जिसको हम बकरीद का त्यौहार बोलते हैं, इसको ईद उल अदा भी कहा जाता है और इसको ईद उल कुर्बान भी कहा जाता है और इसको ईद उल अजहा भी कहा जाता है। 21 जुलाई बुधवार को, यानी कि आज के दिन, हम लोग बकरीद का त्यौहार हिंदुस्तान में मना रहे हैं। आज हम
ईद मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। केव है, हाँ, ये एक गार है और इस गार में वो अल्लाह के सामने इबादत करने लगे, जिनका नाम था इब्राहिम और हाजरा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अल्लाह की इबादत में लगा दिया। तभी हाजरा के पास शैतान पहुंचता है। शौहर कहाँ गया है? वो तो दावत पे गया अपने दोस्त के घर में। क्या यही बताया है उसने तुझे? हाँ। क्या इतना यकीन है तुझे उस पे? मैं अपने शौहर पर भरोसा करती हूँ। हे इब्राहिम, तू अपने इम्तिहान में कामयाब हुआ है, तेरे इस इम्तिहान को कयामत तक याद रखा जाएगा। तो अब आपको दिखाते हैं मेन पिक्चर। आप लोग जानते होंगे कोई भी सेलिब्रेशन बिना कल्चर के अधूरा है, तो ईद के दिन हमने भी एक कल्चर ऑर्गेनाइज किया जिसमें कुछ भाइयों ने कवाली तैयार की, कुछ भाइयों ने सॉन्ग्स गाए और कुछों ने प्ले में पार्टिसिपेट किया। तो आइए आपको दिखाते हैं उनकी कुछ झलकियाँ। शफा परिवार में रोज ही कुछ अच्छा खाने को मिलता है, लेकिन स्पेशल डेज पे स्पेशल फूड तैयार किया जाता है जो बाहर से कोई शेफ आके तैयार नहीं करते हैं, बल्कि यहीं के मेम्बरों द्वारा तैयार किया जाता है। आई एम श्योर इसे देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा, क्योंकि इसका स्वाद मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूँ।
इंजॉय किया है? हमने तो किया है और सच्ची बहुत इंजॉय किया। तो देखिए कैसे हमने बारिश में वॉलीबॉल इंजॉय किया। सभी लोग मनाते होंगे, लेकिन हमारे परिवार में इम्पोर्टेंस दी जाती है रिकवरी बर्थडे को, जिस दिन मेंबर को एक एक करके नशे से दूर पूरे 365 दिन हो जाते हैं। इस दिन मेंबर सुबह उठ के फैमिली में अपना रिकवरी बर्थडे अनाउंस करता है और बाकी मेंबर्स उसे अप्रिशिएट करते हैं और विश करते हैं, और शाम को मेंबर अपनी जर्नी की शेयरिंग करता है, साथ ही उसकी केक कटिंग सेरेमनी एंड कार्ड सेरेमनी की जाती है। काउंसलिंग मीटिंग में आने के लिए, ये आपके प्रियजन के सफल इलाज के लिए बहुत ही जरूरी है। तो मिलते हैं आपसे अगली फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में, तब तक आप इस मॉनसून के मजे लीजिए। धन्यवाद।